जी हाँ, बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में आ गए हैं और इस मुद्दे को लेकर दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। देखो, कांग्रेस से जनता भी परेशान है और अच्छे विचारक, चिंतक और सेवक नेता भी परेशान है। ना तो दिल्ली के नेतृत्व में कोई दम बची है, अच्छी खासी चलती सरकार पंजाब की राहुल जी ने ही डिस्टर्ब कर दी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो दुर्गत करी है, और बाकी जगह भी जो कांग्रेस में चल रहा है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कौन कांग्रेस में रहना चाहेगा? और यहाँ का नेतृत्व भी दिशाहीन है, जब सरकार थी तब काम किया नहीं और आज भी ना कोई दिशा है ना कोई गति है, केवल मुझे गाली देते रहते हैं। उपचुनाव है, उपचुनाव का अपना मायने है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देगी। ये बिकाऊ राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, ये कलाकार की राजनीति, आज मध्य प्रदेश के मतदाता इसे अच्छी तरह पहचानते हैं और चुप रहे, चुप रहेंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सही फैसला करेंगे। बता तो दे, एक बार लिस्ट जारी कर दें कि ये टिकने वाले हैं और ये बिकने वाले हैं, फिर वो जितने टिकने वाले बताएंगे हम उनके बारे में फिर आपको बताएंगे।